हेलो एवरीवन, पीयू मेरे देखने सारे दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपने टैलेंट के साथ पूरे हिमाचल में धूम मचा दी। जी हाँ दोस्तों, हमारे साथ मौजूद हैं मिस रुचि शर्मा। सो आओ मिलवाते हैं आपको उनके साथ और उनके साथ करते हैं कुछ खास बातचीत। सो रुचि, आपका स्वागत है पीयू मेरे में। थैंक यू सो मच। सो रुचि, आप एक स्पोर्ट्स पर्सन भी, उसके बाद मिस हिमाचल भी रहे हो आप। सो ये सारा दौर जो आपकी लाइफ का जर्नी, लाइफ थी, पूरी जर्नी थी, सो बहुत ही कम समय में आपने बहुत अच्छे अच्छे मुकाम हासिल किए। सो इसके लिए आपको मोटिवेशन और कैसे ये सब कुछ आपने, आपका सफ़र कैसा रहा? एक्चुअली मैं अपनी खुद की एक मोटिवेशन रही हूँ, मेरे लिए कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन कभी भी नहीं रही है। लाइफ में हमेशा मैंने कुछ बड़ा करना चाहे, कुछ यूनिक करना चाहे था। एरिया आई कम फ्रॉम, वहाँ पे पहले इतना एक्सपोजर नहीं था। अभी आफ्टर मीन्स वहाँ कुछ और भी लड़कियाँ आई हैं एंड मुझसे पहले भी एक दो लड़कियाँ थी, तो वहाँ की लोगों की थोड़ी सी सोच खुली है और उन लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट करना शुरू किया है। बट बींग अ स्पोर्ट्स पर्सन, एकेडमिक्स में अच्छा होना, बींग अ स्केच आर्टिस्ट, पेंटर, सिंगर एंड डांसर एंड फाइनली अ पेजेंट फाइटर इज रियली लाइक यूनिक थिंग एंड यही मेरा सपना था। तो आई एम लिविंग माई ड्रीम्स एंड फुलफिलिंग माई ड्रीम्स। ओके, सो आपने अभी बताया कि आप पेंटर एज अ एंकर और आप इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज करते हो। यस। सो जो आप ये सब करते हो तो आपको इसमें कैसे दिखते हैं, जो है फेस करने पड़ते हैं, कुछ आते हुए दिखते हैं? कभी कुछ दुनिया वाले, जैसे हमारा कल्चर रहता है कि हाँ लड़कियों को आगे नहीं आने देना, ऐसा होता है, सो ऐसा आपको कभी फेस करना पड़ा? या ऐसा मुझे सबसे पहले फेस करना पड़ा था जब मैंने ये सब शुरू किया था अपनी फैमिली के साथ। एक्चुअली माई पेरेंट्स आर रियली सपोर्टिंग, बट दैट टाइम सोसाइटी की बातें सुन के मेरे पेरेंट्स को भी दो मिनट लगा था कि व्हाट इज शी डूइंग, शी इज़ वेस्टिंग हर टाइम एंड देयर इज नथिंग इन दीज थिंग्स, शी शुड फोकस ऑन हर स्टडीज। बट जब मैंने जिद अपनी छोड़ी नहीं एंड अपने काम पे फोकस करा, अपनी ड्रीम्स को पूरा करने के लिए मेहनत करी, तो मेरे पेरेंट्स को ऑटोमेटिकली कुछ चीज़ दिखी। एंड व्हेन माय इंटरव्यू केम ऑन दिव्य हिमाचल फॉर मिस हिमाचल, सो दैट वाज द डे जब मेरे पेरेंट्स को रिलीज हुआ एंड दैट वाज द डे आज तक मुझे उन्होंने सपोर्ट किया है, फुल सपोर्ट। गर्ल्स, आई मस्ट से वन थिंग, इट्स ऑन यू हाउ यू मेक ट्रस्ट विद योर पेरेंट्स एंड इफ योर पेरेंट्स ट्रस्ट यू, there is nothing which can stop you from being successful. I don't think so, ऐसा कुछ। So आपने बताया कि आपको आपके पेरेंट्स को उसके बाद आपके बहुत अच्छा ट्रस्ट हो गया। सो जो ये सारी जर्नी थी आप, हाँ जी, जो सारी जर्नी थी, आपको एक स्टार्टअप कहाँ से? स्टार्टअप, आई स्टार्टेड माई कैरियर फ्रॉम मैं से मार्च 2017। इट वॉज अ टाइम वेन आई फेस्ड फेलियर, मेरा रैंप वॉक करते हुए मेरा पैर मुड़ गया था एंड दैट वॉज द टाइम जब हो सकता था मैं वो सब छोड़ देती, मुझे स्टेज फियर हो जाता, लेकिन नहीं, इट वॉज़ द ओनली विल पावर जिसने मुझे वो चीज़ दोबारा करने पे मजबूर किया। मैंने बीच में काफ़ी पेजेंट्स करे, कुछ स्टेज रैंप शोज़ करे एंड उसके बाद मैंने कुछ शूट्स करे, इससे मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ एंड बस देन आई केम टू। सुरुचि, आपकी जो सी जर्नी थी वो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल है और उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आई। आपने बताया कि आपका रैंप वॉक करते हुए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी। सो आप सारी गर्ल्स, खासकर गर्ल्स जो आपको अभी इस टाइम देख रही हैं, उनको क्या मैसेज? सी, आई हैव अ वेरी स्पेशल मैसेज फॉर ऑल ऑफ द गर्ल्स जो मुझे देख रही हैं। एक्चुअली इट्स नॉट अबाउट फील्ड ऑफ मॉडलिंग और समथिंग एल्स, बट इट्स अबाउट योर लाइफ। व्हेन इट्स अबाउट योर लाइफ, प्लीज़ आप कभी हार मत मानो। कोई भी ड्रीम है उसको पूरा करने के लिए आप मेहनत करो, बिकॉज ऐसा कुछ भी नहीं है जो इम्पॉसिबल है। अगर आप कुछ रियलिटी में करना चाहते हो तो इट्स अ थिंग आप हर एक इंसान को कन्विंस कर सकते हो एंड फॉर फुलफिलिंग योर ड्रीम आई डोंट थिंक आपको किसी को कन्विंस करने की भी ज़रूरत होती है। बस एक चीज़ आपको चाहिए साथ, वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस, नॉट ओवर कॉन्फिडेंस बट सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ मोटिवेशन, बिकॉज देर इज़ नो वन इन दिस वर्ल्ड हु इज़ गोइंग टू होल्ड योर हैंड एंड आपको लेके जाएगा कि नाउ डू दिस थिंग। यू आर द ओनली वन हु इज गोइंग टू होल्ड योर ओन हैंड एंड गिव यू मोटिवेशन, सो बिलीव इन योर सेल्फ, एवरीथिंग इज इजी। सो रुचि, जो उनसी आपने एक सिचुएशन बताई पहले कि सैंडल टूट गया, या सो उस टाइम पे कैसे, मतलब कि आपने कैसे अपने आप को संभाला? क्योंकि जो हमारी लाइफ में खासकर परफॉर्मेंस देते हुए जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है उससे निकल पाना बाहर बहुत मुश्किल। एक्चुअली दैट वॉज अ टाइम जहाँ पे मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता था।
जब मेरी सैंडल एक्चुअली मेरा पाँव ट्विस्ट कर गया था, आई गॉट रियली डिमोटिवेटेड दैट टाइम. मेरे चेहरे पे वो एक्सप्रेशन आए और नेक्स्ट सेकेंड मैंने उस चीज़ को ओवरकम कर लिया था. मैंने अपना पूरा रैम वॉक करा, आई केम बैक, या आई क्राइड आफ्टर दैट, बट इट वॉज लाइक दैट वॉज माई फर्स्ट फेलियर एंड इट वॉज अ पाथ विच वॉज लीडिंग मी टू द सक्सेस. सो मैंने इस चीज़ को मोटिवेशन के तौर पर मतलब लिया था. मैंने यही सोचा था कि हाँ, दिस टाइम इट वॉज नॉट रिटन, आई हैव टू गो अनदर टाइम फॉर दिस ऑडिशन. और मैंने 2018 में ट्रैक किया था वो ऑडिशन एंड आई वॉज फाइनलिस्ट ऑफ मिस हिमाचल 2018. दैट वॉज द सक्सेस आई थिंक. ओके सर, मिस हिमाचल या एक बहुत बड़ा मुकाम या आप वहाँ पर पहुँचे, आपने हासिल किया. सो अब आगे आगे क्या क्या यहीं पे बस कि आप इसके आगे भी? नो, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर टू पेजेंट्स एक्चुअली, जो कि एक तो बहुत ही जल्द आने वाला है. हे गर्ल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट मिस नॉर्थ इंडिया 2018. आई वुड लाइक टू टेल यू पीपल दैट इट इज़ गोइंग टू हेल्ड ऑन 30th of August. वेन्यू इज़ अ सरप्राइज एंड विष्णु मल्होत्रा द ग्रेट सुपर मॉडल ऑफ मनीष मल्होत्रा इज गोइंग टू जज दिस इवेंट. So girls get ready, it is a great, great platform and a very good platform to give you a great exposure. So girls get ready, prepare yourself, I'll meet you there. So Ruchi, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और आपने बताया कि आगे मिस इंडिया जो बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है, आपने उसके बारे में बताया. सो बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातचीत करके. सो Ruchi, कोई एक बात जो आप जाते जाते बोलना चाहिए? एक बात जो मैं जाते जाते बोलना चाहूँगी, you know there comes a situation when you get negative, but girls and boys, this is not only for girls but girls and boys, only remember one thing: whenever you get negative, just cry, end it there. Actually this is something I learned from my friend Arushi Handa and I'm saying it here. Just cry and end it there and move on and get positive vibes again and again. Thank you so much. So ye the hamare sath Ruchi Sharma jo Miss Himachal ke finalist reh chuke hain. सो दोस्तों, हम आपको आगे मिलवाएंगे फिर से एक नई शख्सियत के साथ. तब तक देखते रहिए पीयू मिरर. मैं अरुण दीप सिंह आपसे विदा लेता हूँ.